बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, की बोलो जय। श्री सतगुरु महाराज की जय, महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की, बोलो नदी जी श्री सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, आज सखियों की मीठी बतिया में हमारे पास हमारी प्यारी कौशिका मदानी जी, सूरत सुंदर साथ, जो कि वीडियो बनाने की सेवा में भावदीप जी, कौशिका जी और उनका बेटा राज भी अति सुंदर, उनको बहुत सुंदर संयोजन करके हमारे सामने लेकर आते हैं। आज उनसे ये पूछते हैं कि वो इस संप्रदाय में किस प्रकार आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। आज का वाणी गायन और झीन गायन और आपकी प्रेम भरी चर्चा अति प्रेम भरी। प्रणाम जी, आपने जो पूछा सवाल का, ये प्रणामी में किस तरह आई, ये तो शायद वो बोलते हैं जब सत्संग में सुना था कि कोई भाग्यशाली ही होता है, राज जी ने मोती जो चुन चुन के इधर भेजे है उसमें से शायद एक मोती में भी होगी। अच्छा हुआ ना ये मुझे भी ये लाभ मिला, वरना ये वाणी, ये मेरे धनी जी का रूप तो बहुत देखे थे परमात्मा के, लेकिन ये स्वरूप मेरे खुद का भी देखा, मैंने मेरे रूप का रूप ही देखा था निस्वरूप। अब मेरे मुझे तो बहुत आनंद आता है सुंदर साथ जी कि मैंने मेरा निस्वरूप देखा, मेरे धनी जी का स्वरूप देखा। कहते हैं कि हम तो अंगना है, ब्रह्म सृष्टि है, हमें कभी अहम अनु नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे तो आता है, लेकिन किस बार पर, क्योंकि मुझे गर्व है कि मुझे मेरे इस जो समय कितना भी समय चला गया, लेकिन जो थोड़ा सा समय है ये समय में मुझे मेरे नीच की खुद नीच स्वरूप की पहचान हो गई, मेरे धनी जी की पहचान हो गई। इससे इसका मैं सबसे पहले हमारे सतगुरु राजन स्वामी उसके थ्रू ही हम उसने इतनी वाणी के खुलासे किए, अर्थ के इतने इतने अर्थ किए और सबको पहुंचाया, वरना वाणी तो हम पढ़ते थे, घर पे भी सब कहते थे, लेकिन हमको कुछ नहीं पता था। जब मैं शादी करने के बाद थी, मैंने संप्रदाय का नाम भी नहीं सुना था, कैसे प्रणाम दंडवत शब्द भी नहीं पता था, क्योंकि मम्मी लोग वो सब सनातन में मानते थे और सब वहां मानताए बाधाए चल चल कर जाते थे, कुछ भी दुख आता तो, लेकिन इसकी पहचान नहीं थी ना। और जब मेरी एंगेजमेंट हुई तब मम्मी ने, मम्मी मेरी सास की बात जब करूंगी तब मैं मम्मी ही बोलूंगी, तो वो उसने गले में कंठी बंधवा दी, तो लेकिन हम तो सनातन में थे, ऐसा कुछ था ही नहीं प्रश्न के ये कंठी मैं नहीं बांधूंगी। मैंने भी पहले शायद मेरे पिया जी की ही मर्जी तब थी, लेकिन मुझे पहचान नहीं थी। और उसके द्वारा मम्मी जब शादी के बाद वो बोलती थी कि दर गुरुवार को सत्संग में जाना है, तो मैं जाती ही थी, कभी मना नहीं किया था, मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि ये वाणी सुनने कभी नहीं मिलती थी, और हम तब तो बड़े हो गए थे, हमें पता भी चलता था ये सच्ची बात, जागृत बात, जागृत बुद्ध की बात हो रही है। इसके थ्रू में आगे आगे चलती आई, मम्मी ने कोई कभी पना नहीं किया, वो घर पे रहती है, बच्चों को संभालती है और मुझे ही बाहर जाने का चांस देती है। और इसके बाद राजन स्वामी जी से सतगुरु मले, जो नहीं कोई जाति भाद समय सूरत आते हैं तब भी हम जब बुलाते हैं दीदी, तब सुंदर सर मैं आप सबको बोलती हूँ, राजन स्वामी थोड़ा सा भी टाइम लेकर वो इतने सिंपल सादा धैर्यता पवित्रता, वो घर पे आते थे मेरे साथ, मेरे सासू माँ की मदर भी रहती थी, मेरे सासू के कोई भाई नहीं है, वो भी ब्लाइंड थी और 103 साल इधर रही, अभी 7 महीने हुए वो धाम परम धाम चल गई। तो वो उसने कभी गुरु, वो बोलते थे नानी जी कि मैंने तो कंठी नहीं बंधवाई, तुम छा वाली हो और मुझे आपके साल के राजन स्वामी इधर आए और ज्योत्सना दीदी भी साथ में थी, उसने उसको हमने बोला कि स्वामी जी को इधर बुलाओ, नानी जी को कंठी पहना है, 103 साल के नानी ने कंठी गुरु ग्रहण किए, ये उदाहरण किया है कि हम साल और उम्र किसी किसी को नहीं दिखना, हमें सत्य मिले तो हम कब भी हमें कंठी बदल सकते हैं। और इधर कौन सा है कि हम बोलते हैं कंठी बदला तो बोले नहीं ये नहीं कर सकते, लेकिन हमको ये सच पता है कि कंठी हमें सत्य मिलता है और राजन स्वामी जी से सतगुरु मिलते हैं, हमारी वाणी वांग्मय स्वरूप है, तो हम कंठी और नानी जी को हमने 103 साल के हमने गुरु राजन स्वामी को कंठी उसके हाथों द्वारा, वो आए भी
क्यों आए, लेकिन जो वो निर्मलता है, पवित्रता है और इतनी धैर्यवान है, वो समय निकाल के मेरे घर आए थे और नानी जी को पंखी भी पहना गई और वो धाम गम चली गई। तो सब बोलते हैं नानी को शॉर्ट टाइम में परम धाम मिल गया है, सब सखिया हम इसे हंसती है, लेकिन ये भी सब राज जी की लीला है। और सुंदर सात जी, इसके बाद ज्योत्सना बहन सखी प्यारी, राजकोट की बांभुलिया ज्योत्सना बहन, वो इधर हम इस अभी इस आनंद में चले गए, ज्योत्सना दीदी को भूल गए हैं। ज्योत्सना दीदी तो बार बार सूरत आती है और बार बार उसने चर्चाए चितवनी सब, मेरी प्यारी सखी ज्योत्सना दीदी और मेरे ससुराल का वतन और उसका मई का दोनों एक ही गांव है। तो वो आती है वित्त करने के लिए आती थी, 5-6 साल पहले मेरे घर पे ही रहती थी और सब सुंदर सात के घर पे रहती थी। और रात को हम कई कई देर तक ज्योत्सना दीदी बहुत चर्चा की थी और थोड़ा सा तब से इस दिल में चोट लगी होगी, तभी तो ये आगे में बढ़ती होगी ना। ज्योत्सना दीदी ने बहुत मेहनत की है, वो भी अपना घर छोड़ के बार बार कभी बुलाते हैं तो आती है और हमें कहती है इधर आओ, हम सब सखियां दौड़ दौड़ के उधर चले जाते हैं और वो सत्संग करती है। उसके थ्रू भी हमें बहुत कैलाश बेन हमें पता चला, बड़ोड़ा कैलाश दीदी वो विद्यापीठ चलाती है और उसके द्वारा हम सब सखी मंडल ये सत्संग में ज्वाइंट हुए और वो जो सेवा होती है हमें उस रास्ते पे उसने ही लिया सेवा, क्या बोलते हैं, लेकिन कोई होता तो होगा ना प्रेम सेवा कैसे करना चाहती है। वो ज्योत्सना दीदी कैलाश दीदी के द्वारा वो विद्यापीठ का पता चला, हम जाते हैं कोई प्रोग्राम होते हैं तो इतना सब ज्योत्सना दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। दीदी हम आपके आपको भूल गए हैं, वो भी उसको मैं क्षमा मांगती हूँ ज्योत्सना दीदी के लिए। वरना ये इतने आगे तो हम नहीं बढ़ते, ये सब तो है ही हमारी सखिया। और मैं बताना चाहती हूँ कैलाश दीदी भी बहुत वो भी सूरत आती है और हम सबको ये बताती है ज्ञानपीठ विद्यापीठ के बारे में, तभी हम आगे चले। और जब सुंदर साथ जी हमने जब ये सखी मंडल शुरू किया ने, जो गोटा पालायन होती थी हमने लिया है अब भी कि कभी गोटा पालायन हो तो हम जो बुलाएंगे वहां जाएंगे, क्योंकि हमें सेवा सेवा के लिए आगे बढ़ना था ने। तो हमारे पास सुंदर साथ जी ऐसे गोटा भी नहीं थे कि हम ऐसे पढ़ सके, उसके पत्ते ऐसा ही लगता है जैसे बीतक पूरा बीतक ही हम पर बीता क्यों हो, पत्ते इतने खराब हो गए थे ना, पुराने गोटे होते हैं इसलिए पत्ते भी फट जाते हैं, लेकिन कितनी परेन हम सुंदर साची वो पत्ते को जॉइंट करके उसे सेलो टेप लगा के फेविकोल लगा के मेरी प्यारी सखी सब रसीला जी और सब उसके घर पे ही सब सामान होता है सबने ज्वाइंट करके कई पत्ते तो ऐसे ही पूरे पत्ते हमने लिखे थे और हम पढ़ते थे, ऐसे ऐसे गोटे हमारे पास थे, फिर भी हमने ये सेवा करनी। लेकिन राज्य की महर ने ज्योत्सना दीदी ने एक बार उसने ही ये गोटे भेजे थे, उसको पता चला कि हमारे पास ये भी नहीं है कि हम पारायण करें तब दूसरे मंडल के गोटे हम मंगवाते थे, लेकिन ये सेवा ज्योत्सना दीदी ने हमें दी थी। उसके उसके बाद तो हमारे सखियों की सेवा तो बहुत बड़ी है, एक सखी ने पूरे गोटे मंगवाए और हम अब नए गोटे में पारायण करते हैं। ये क्या है, ये धनी जी की मेहर नहीं और क्या है, और इसे हम मेहर करते हैं। और जब मुझे पता चला पहली बार मैंने देखा जब पारायण में गई, वहां इतने अच्छे गोटे, तब मुझे ऐसा लगा और वहा मुझे नहीं सब सखियों को ऐसा लगा कि ये गोटे तो क्या गर्व है कि हमें जो माया की संपत्ति है उस पर हमें कुछ कितना भी हो उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये गोटे हमारे गोटे है ऐसा चला ऐसा लगा। मैंने बोला हमारे गोटे है तो सबने बोला हमारे गोटे है, ये संपत्ति हमारी है। बहुत अच्छा लगा, गर्व है मुझे इस मंडल पर मेरे सखियों पर के जो हमने क्या चाहिए था वो हमें मिल गया, वो ये संपत्ति पर हमें कोई कोई इच्छा नहीं दीदी, कोई अब नहीं रहा ये सखियो। और आप बोलते हैं नाटक, नाटक के द्वारा तो मैं सखियो आप सुंदर साची आपको कितना भी बोलू ना तो समय ही नहीं रहे, समय पूरा नहीं सभी कम होगा, इतना नाटक में हम मजा के जैसे इंटरव्यू नहीं सुंदर साची इन हो गए सर्व सरस सागर दीदी बोलती है सबको पार करके जानी चोर चौक को पार करके बिना कार्ड एंट्री कार्ड भी नहीं चाहिए धाम दरवाजा अपने आप जो दो भूम ऊंचा है ना वो प्रेम से ही खुल जाता है। हम इन भी हो गए हैं और हमारे हमारी एंट्री भी हो गई है। हम सब सख्य कहाँ करती है रामत त्रिजी भूम की पड़साल में करती है, रांची के साथ सब करती है चांदनी चौक मानो ये तख्तरा पोखरा सब में बैठती है। ये नाटक करते पता चला कि नाटक तो जो है ना असली क्या है, असली जो करते हैं ना
जो नाटक करते हैं ना वो असली है, कितना आनंद होता है मुझे ये पता चला, और जो असली करते हैं ना वो तो नाटक है, ये अब पता चला मुझे। नाटक के द्वारा तो हम असली लीला अब करते हैं। इतने भाग्यशाली मेरे धरनी की इतनी मेहर कि उसने इस थोड़े टाइम के लिए हमें ये तो हमें बता दिया, मेरे निस्वरूप की पहचान करा। अब तू ये कर, ये तेरी असली लीला है, जागनी ब्रह्मांड की तेरी ये लीला है, तू जो कर रही है वाणी में बीतक में जो कहा ये लीला है। साथ सुंदर साक्षी करते ही आए हैं और कर भी रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद आप सबका, सुंदर साक्षी और सोनिया दीदी का भी। हम असली नाटक नहीं करते, हम असली तक पूरा अभी तक, जैसे इंद्रावती जी ने कितनी कसनी की, हमें इतनी कसनी नहीं की, लेकिन हमें ये देखो ये क्या है, और बीतक नहीं है तो पूरी वाणी नहीं है, हम जो करते हैं पूरी वाणी वाणी ही वाणी तो उतर गई, लेकिन उसके माध्यम से ही हम लीला करते हैं, ये ही लीला है। इतना प्रेम, और जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना सुंदर साची, तो सखिया का क्या करते है, गले लग जाती है, चुंबन करती है, ये लीला कहा मुझे, थोड़ी ना मैं परम धाम कब जाऊंगी मुझे भी नहीं पता वहां जाके क्या होगा, ये तो हम बोलते हैं, लेकिन ये लीला तो सोनिया दीदी इधर बताते नहीं, लेकिन ये सब इधर होता है जब हम नाटक करते हैं, और इससे प्रेम सुख इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये सब इतना मिल रहा है ने कि तुम सुंदर साक्षी कितना मैं वखान करूं, और मेरे धनी जी उसकी पहचान स्वरूप धनी जी के पांव से सिर तक पूरा परम धाम सागर इतनी वो मुझी हवेलिया सब दिखाती है। ये नाटक जो करते हैं ना वो असली लीला है, अब पता चला, इतनी असलियत्ता दिखाती है, मूल मिलावा क्या क्या मैं बताऊं, पसी पंखी रंग कलर सब रंग, और हम सब जो श्रृंगार करते हैं सुंदर साक्षी, वो सिंगार सिंगार आप मत देखना सिंगार रूप में, वो तो जो अवगुण है ना वो अवगुण निकल गए इतनी सब परमहंसों के द्वारा, और सब सतगुण इतने अच्छे गुण का सिंगार है वो सिंगार, इतनी इतनी जैसे राजन स्वामी के चेहरे पर रौनक होती है चमक होती है ना, सब सखियों को ये सिंगार है ना, आप लोग ये अवगुण निकल लिए हमने, और ये गुण के गुणों के सिंगार है, सेवा प्रेम आनंद एकत्व ज्ञान और कई शब्द है जिसका तो मैं आपको इतना भी बताऊं ना, मैंने बोला समय ही कम पड़ेगा, और ये सब सखियों का तो अकेले कुछ नहीं होता, मैं बोलती मैं कुछ करूंगी, सब आप सबको मेरी सखी मंडल मेरे फैमिली सबका साथ है, नकर इस तन की तो क्या शक्ति है कि कुछ कर सकता है, यही मेरी जर्नी है, यही मेरा इंटरव्यू है, इन और एंट्री दोनों, बिना पास कोई टिकट नहीं, एंट्री और वो भी कैसी एंट्री, प्रेम 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 है सबका साथ, प्रेम साथ प्रेम सेवा, और कैसा इंटरव्यू, बहुत अच्छा लगा आज तो, ऐसा लगा पता नहीं धनी जी तो अब तो इस दिल में अभी तो कितने ही अवगुण हो गए, लेकिन इंटरव्यू ऐसा लगता है सुंदर साक्षी आज तो इंटरव्यू खुद धनी जी ने लिया, ऐसा इंटरव्यू कब होगा, मैं स्कूल में जाती हूँ मेरी बच्ची बहुत होशियार है उधर भी इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ये इंटरव्यू का तो ऐसा लगता है कि नोट कर लूंगी, धनी जी खुद आकर बोला, वरना इस तन की तो क्या औकात है कि मुझे कब पूछे धनी जी, इतना तो मैं उठती भी नहीं हूँ सुबह, इतनी वाणी भी नहीं पढ़ती हूँ कि मैं कुछ मेरे धनी जी से बोलू, ये से ज्यादा क्या इंटरव्यू, और मेरे धनी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो कुछ मांगती नहीं है, लेकिन इतना प्रेम इतना सब देते है, वाह धनी वाह, और मैं शॉर्ट में ही मेरे धनी के बारे में कहना चाहती हूँ, जान होने कोड धर धर कोड मंथन मथा मोड मो हम कोड जीवन इतरा मो तो इच्छा ताजे गुण गिनन जो ही पूछाते सगन पूछती न सगन, इतनी करोड़ों कोशिका भी हो जाएगी ना, फिर भी धनी जी की एक एहसान का भी सुंदर साक्षी ऋण नहीं चुका सकूंगी मैं, और वर्णन भी नहीं कर सकूंगी, प्रणाम जी, अगर कोई भूल चुक हो गई हो किसी को चट लगी हो
माफ कर देना प्रणाम जी। जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चोट तो हाँ लगी है पर ये भूल वाली चोट नहीं लगी, ये तो दूसरी चोट लगी है जो रोज लगनी चाहिए, ये वैसी चोट लगी आपको देख के। सुंदर सा जी, घरों में, गुजरात के घरों में काम कम नहीं होते हैं, रिच से रिच, यहाँ के धन की बात कर रही हूं मैं, धनी से धनी जो यहाँ का व्यक्ति भी है ना वहां सुंदर साथ, वो भी अपने काम अपने हाथों से करते हैं, आलसी नहीं है वहां सुंदर साथ जी। यहाँ के तन भी इतनी मेहनत करते हुए, पूरा दिन मेहनत करते हुए हम देखते हैं गुजरात के सुंदर साथ को, धन्य हो आप, धन्य है वो धरती, धन्य है ये सुंदर साथ जो इतने कार्य करते हुए भी प्रेम 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 की माला पिरोता जा रहा है। और हम सुंदर साथ बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे घर में काम करने वाले इतने लगे हुए हैं, फिर भी नॉर्थ के सुंदर साथ के पास इतना समय नहीं होता कि वो धनी के साथ ज्यादा समय बिता पाए और इनके हृदय में वो प्रेम के पूर बहा करते हैं। ये गोपी जीवन होता है, ये गोपी गीत गाती हैं, रोज गाती हैं अपने हृदय में। इसीलिए सुंदर साथ जी, कौशिका जी से मेरी उस दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा था, क्योंकि मैंने कहा कितने सुंदर नाटक बनाए जा रहे हैं, मेरी पहली या दूसरी बार ही बात हुई है सुंदर साथ जी उनसे, उन्होंने कहा क्योंकि किसी के जीव में ऐसा कोई खोट नहीं है कि वो एक दूसरे की बात को कभी बुरा मान जाए। ऐसी हमारी टीम, ऐसे हमारे प्यारे सुंदर साथ हैं। सुंदर साथ जी सोचिए, यहाँ के जीवों की बात, ये यहीं के जीव हैं, ये कोई योग माया या परम धाम की बात नहीं हो रही, यहाँ का बने हुए ये शरीर है अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू धनी जी जो आपने ये शुरू किया और हम सब सुंदर साथ को इनसे इतनी प्रेरणा मिली, शुक्र है पिया जी। आइए चलते हैं मीनाक्षी जी की तरफ बहुत प्यारे भाव लेने के लिए। प्रणाम जी, आप भी यदि इन भावों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपना नाम। मीनाक्षी जी प्रणाम। मेरे धाम धनी के अति प्यारे मीठे लाडले सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं पहले अपने में प्रणामी धर्म में कैसे आई वो सब तो मैंने आप सबको बता ही दिया है, आप सब जानते ही मेरे। और मैं जब छोटी थी तब मैं ये सब चर्चा में तो मैं रहती हुई थी, और जब हम नाटक भी किया था मैं जब छोटी थी ना, तब जब मंगलपुरी धाम में जब उत्सव होता था तब उत्सव में हम सब ने नाटक बच्चियों ने किया था जब हम छोटी थी ना, तब वो परम धाम के मूल मिलावा में जब इश्क रब्बत का खेल हुआ करता था उसमें जब अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में दर्शन करने आते थे, तब राजजी महाराज पीछे से दर्शन देते थे, और सखिया जब साक लेके वन में जाती थी एक उठती थी बैठती थी, ऐसे सब नाटक किए थे। और मैंने मंगलपुरी के विषय में मुझे बोलना था 8-10 वाक्य, मैंने वो भी बोला था स्टेज पे जब मेरा पहला अनुभव था, मैं स्टेज पर जाके बोली थी मंगलपुरी के बारे में कि मंगलपुरी हमारे जागणी ब्रह्मांड का जो जागणी स्तंभ है वहां से चला था, वो बायजूराज जी का मायका है, और उसके जो सिंहासन के जो 4 स्तंभ है वो बायजूराज महारानी के चोरी के 4 स्तंभ है। वैसे ही सब मैंने मंगलपुरी के बारे में बोला और हम सबको प्राइज भी मिला था। तब से हमें मेरे अंदर वो चेतना जगी थी कि इस जागनी ब्रह्मांड में हमें तारतंबानी हमें क्या सिखाती है और उसके बारे में हमारे अंदर हमें क्या लेना चाहिए वो सब। हम दूसरे धर्म को तो हमने नहीं देखा कभी, उसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था, लेकिन हमारे धर्म की शुरुआत मैंने वहां से ही की थी। और जब इस नाटक किए हमने उस नाटक में उस रामतों को तो हम कभी पहचानते नहीं थे, हमें ऐसा लगता था कि वो नाटक 2 ताले की नाटक होगी, कोनिया की जो रामत करते हैं वो रामत होगी। वैसी रामत के बारे में मुझे हमें जब ये वीडियो हमने बनाया ना जब ना करके, तब मेरे अंदर हमें ये पहचान हुई कि जब जो उड़न खटोल की रामत में हमें बताते हैं कि उस रामत में हमें कैसी छलांग लगानी है, जैसे हम इस माया में उतनी ऊंची छलांग लगा के हम धनी जी को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हमारे दिल में धनी जी के वो चरण बस नहीं जाते, तारतम्यान रूपी हमें वाणी हमारे अंदर बस नहीं जाती ना, तब तक हमारे अंदर ये
जो माया के विकार है, जैसे अर्जुन अभिमन्यु था बोला महाभारत के युद्ध में, तब उसने 7 चक्र काटने थे, उसमें से उसे 6 ही आते थे। तो हमें भी, हमारे अंदर भी ये आत्मा बैठी है, उसके आर पार जो माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या रूपी जो चक्र है, उसे हमें ये तारतम ब्रह्म वाणी, जो हमें उस ब्रह्म वाणी के माध्यम से हमें वो सब काटने हैं विकारों को, तभी हम परम धाम में हमारी आत्मा को जो मूल मिलावा में बैठी, हम धनी जी के चरणों में बैठे हैं, उस तक हम पहुंचा सकते हैं चितवन के माध्यम से। जब तक हम ये ब्रह्मवाणी का पठन मध्यम नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ये चितवन के माध्यम से वो नहीं निकलेंगे, ये काम क्रोध लोभ मोह जो अहंकार रूपी जो है वो। और ये हमें ऐसे बनना है, जो हजारों दीपक होते हैं वो तो कहलाते हैं कि वो दीपक ही है, लेकिन उसमें जलता हुआ दिया है ना, वही अपने आप से दिखाई देता है। वैसे ही हमें भी ये वैसे ही बनना है, हमारे अंदर जो तारतम ज्ञान आ जाएगा ना, तभी हम अपने आप ही निखर आएंगे, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कैसे परम धाम की आत्म है कि नहीं है। हमारे अंदर वही क्रोध माया से, हमें तारतम ज्ञान से हमें माया के सारे विकार दूर करने हैं। ऐसे ही हमें इस नाटक के माध्यम से हमें पता चला है, और ब्रह्मवाणी तो हमें राजन स्वामी जी जब से हमारे अंदर हमारे सूरत में आए हैं ना, उसके माध्यम हमें उसके चरण में गई हूँ ना, तब से ही मुझे पता चला है। हम वाणी की पारायण की तरह तो हम तत्व ज्ञान पढ़ते ही थे, लेकिन उसका जो हमने टीका पढ़े है ना जो भावार्थ के साथ, तभी हमें ये सब मालूम हुआ है। और ये ज्योत्सना दीदी के जो कौशिका ने बताया ना, वही हमारी प्रेरणा रूप है, उसी ने ही हम सबको वो राजन स्वामी के चरणों में ले जाया गया है। पहले हम सरसावा गए थे, लेकिन तब हमारे अंदर उतनी ज्ञान नहीं था, तब तो हम जैसे समारोह में जाते हैं, वार्षिक उत्सव में जाते हैं, वैसे ही हम गए थे। लेकिन अब जो हम अभी वार्षिक उत्सव हुआ ने, तभी हमको पता चला कि नहीं, वार्षिक उत्सव में जाने से हमें क्या क्या मिलता है, कि धनी जी की चर्चा सुनने को कितनी बार मिलती है, कि सबके भाव हमारे अंदर कैसे आते है, वो सब हमें। अब हमने निर्णय किया है कि जब हम पहली बार गए थे तब हम 2 दिन रुक कर हम घूमने चले गए थे, लेकिन अब हम सख्या ने कर लिया है सबने बीट कर, कि अब जब हम जाएंगे तब हम पूरा उत्सव लेके ही जाएंगे, तब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम वहां से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारे अंदर आत्मा की। साक्षी जी, मैं ना आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, सेवा का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट कैसा, कि सेवा करते हुए पहले कैसा महसूस होता था और बाद में कैसा फील होता था, क्या फर्क पड़ा अंदर सेवा से? काफी सुंदर था आपको सेवा की बहुत प्रेरणा। हाँ, पहले हम सेवा वैसे ही ऐसे ही करते, लेकिन जब हमने सेवा करना शुरू किया ना, तब हमारे अंदर परम धाम के जो वित्तक में जैसे करते थे ना, जो वहां के लालदास जी जब जब जो सखी जो भाव करती थे ना, वैसे भाव हमारे अंदर भी आ गए, वैसे ही हम समझकर हम करते हैं कि सेवा हमें दिल से करनी चाहिए, दिखावे की सेवा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे अंदर अपने आप ही भाव आ जाते हैं जब हम उस सेवा को अपने हृदय में बीट कर अपने आप से लेंगे ना, तब हमें सेवा करने का उस वैसा आनंद आएगा जैसा हम परम बीतक के समय जो करते थे ना सुंदर साथ, वैसे ही हमें आनंद अभी आएगा अब सेवा करेंगे ना तब। क्योंकि पहले दिखावे की नहीं करनी है हमें सेवा, कि हमें इतनी सेवा की वो लोग हमारा नाम ले, हमें नाम की सेवा नहीं करनी है, हमें तो ऐसी सेवा करनी है कि किसी को पता भी नहीं चले कि हमने ये सेवा की है, वैसी भावना हमारे हम सबको देनी चाहिए। और नाटक के माध्यम से तो हमें ये बहुत, गांगजी भाई जैसे हमारे रसीला बेन जी है उसका घर है, प्रफुल्ला दीदी जो हमारे निरंतर हमें जैसे चर्चा सिखाती है, वैसे हम सबको बनना है, उसी की तरह बनना है हमें। हाँ जी, आप कुछ और शेयर करना चाहते हो अपने अनुभव सेवा करते हुए जो आपको हुए, तो 2 मिनट आप और दे सकते हैं। नाम जी, मैं यहाँ पे आई, मेरी सास जब वो धाम जाने की तैयारी कर रही थी, तब उसने हमें पहले बता दिया था
कि मैं 6 दिन के बाद परमधाम जाने वाली हूँ। तब वो कहती थी कि मुझे, मैंने उससे बोला कि आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझे बता दे। तो उसने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ धनी जी के चरण में ही डूबना है और मुझे अखंड रास जब सख्या खेलती है वो मुझे दिखाई दे रहा है और धनी जी मुझे ले रहे हैं, लेने आने वाले हैं, मेरी सास को वो सब दिखाई दे रहा था। तो उसने मुझे बता रहे थे कि मुझे सखिया जो ब्रज में रास लीला करती है योग माया के ब्रह्मांड में वो मुझे दिखाई दे रहा है, धनी जी मुझे लेने आ रहे हैं और 6 दिन के बाद मुझे चली जाओगी। तो हमने वैसे ध्यान नहीं दिया लेकिन वो सच में ऐसा ही हुआ। तो राज जी आए और जब वो धाम गई ना तब वो मंत्र जैसे हम पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं तो उसके हाथ भी ऐसे ही गिनती करते हैं ना, वैसे ही वो करती थी और धनी जी के चरण में ही वो डूबी थी। तब से हमें पता चला कि नहीं, हमें जब हमारी आत्मा जब धामने जाने का प्रयास करे तो हम किसी माया में नहीं के उसको बुलाओ मुझे उसको देखना है, हमें तो सिर्फ धनी जी के चरण में ही हमारी आत्मा को मूल मिलावा में ही बसाना है। तो वैसे ही हमारे जब अंतिम समय होगा ना तब हमारी आत्मा वहां पे ही जाएगी। तो मेरी सास ने मुझे ये सिखाया, जाते जाते भी उसने मुझे ये सिखा कर गई है, बस मेरा अनुभव इतना है। और मैंने तो आप सबको मेरी सब आपने मेरी बीत तक जान ही ली है, मैंने पहले एपिसोड में सब बता ही दिया है, इसलिए मैं आगे अब कुछ भी नहीं कहूंगी। आपके सब चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। और मेरी सखियों ने, सूरत वाली सखियों ने भी मुझे बहुत ही अच्छा प्रेम इतना दिया है नाटक के माध्यम से कि जब हम नाटक करते हैं ना तब हमें परम धाम में जब सखिया जैसे करती है ना वैसे हमें ऐसा लगता है सारी सखिया हमें ऐसे आनंद में प्रेम जो मिल से प्रेम के माध्यम से हम सब ये करती है। प्रणाम मेरे जी, साथ पास अब सब बोलने के लिए प्रणाम जी, आपके प्रणाम चरणों जी। में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर नीर सागर का रंग पहने, बहुत सुंदर आप सबने जो अपने आप दोनों ने अपने अनुभव बताए, हम सब धन्य हुए। सुंदर साथ जी, एक एक सुंदर साथ अपने जीवन का वो वैल्यूएबल अनुभव, जो चाहे आप पहले बता भी चुके हो पर दिस विल गो एज अ डिफरेंट वीडियो। तो अपने जीवन का वो वैल्यूएबल अनुभव जो आप सुंदर साथ से साझा करना चाहते हैं, जरूर उसको नोट करके बताइएगा। और हर एक सुंदर साथ की बैठे हुए बारी आएगी और आपके मुंह से निकला हम जूम, तो मुझे ऐसे ही लगा कि कुल जम के साथ साथ अब प्रेम जूम भी ऐसा ही बन गया है जैसा कि धनी जी की वाणी अंदर उतार रहा हो। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। ऐसे प्रेरणा स्रोत हम सब सुंदर साथ को सुंदर साथ में से ही लेनी है ये प्रेरणा और धनी की ओर आगे बढ़ना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसी प्रेम की ध्वजा बनने के लिए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम।